मध्य प्रदेश के रीवा में अमहिया थाना अंतर्गत दो मेडिकल स्टोरों में पुलिस की छापेमारी, कई नशीली गोलियां एवं कोरेक्स सिरप हुई बरामद। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देश पर अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल की टीम द्वारा अमहिया स्थित मेडिकल स्टोर में दबिश नशे की गोलियां जब्त कराई। भोला मेडिकल स्टोर एवं लाल मेडिकल स्टोर पर अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए लाखों का नशीली दवाइयां सिरप जब्त की है। वहीं रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने मीडिया से बताया कि अमहिया थाना अंतर्गत एक आरोपी को पकड़ा गया था, जिसके पास कई कोरेक्स सिरप बरामद की गई थी। वहीं जब पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो दो मेडिकल स्टोरों का नाम सामने आया है, जिसमें पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। मेडिकल स्टोर में नशे की गोलियां एवं कोरेक्स सिरप बरामद हुई है। मौका देखते ही दुकान के मालिक भाग निकला, लेकिन दुकान के कर्मचारियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि रीवा एसपी राकेश सिंह ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। मैया थाना के अंतर्गत एक आरोपी पकड़ा गया, जिसके पास कोरेक्स की कुछ बोतलें प्राप्त हुई। तो जांच में पाया गया कि उसको कोरेक्स की बोतलें बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन लिखे हुए संबंधित एक मेडिकल स्टोर द्वारा दी गई। तो उस पर थाना प्रभारी मैया द्वारा रेड की कार्रवाई करके जो तमाम चीज़ें जब्त की गई, जिसमें करीब 350 cc कोरेक्स जब्त की गई, जो कोडीन फास्फेट युक्त कोरेक्स होती है जो प्रतिबंधित है, तो बेचा जाना भी अपने आप में अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ जो है लगभग भारी मात्रा में अल्फ्राजोलम की टेबलेट्स भी जब्त हुई। इस संदर्भ में 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर थाना प्रभारी द्वारा विवेचना कार्रवाई की।